विखे जिथे मैडिकल कॉलेज बनना है, साढ़े जो 16 मैडिकल कॉलेज बनने ने उन्होंने एक कपूरथला, मैं वो लोकेशन जगह देखना आया। नक्शे तैयार पे ने, बस नक्शे फाइनल होंगे, टेंडर हो जूगा। तो ये 428.59 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है, जिसों 45% सेंटर दे रहा, 55% स्टेट दे रहा, 20 एकड़ का एरिया। तो तुम देख रहे हो, तो नाल दी नाल क्योंकि कॉलेज बन रहे हैं मेडिकल का, वो कंपलसरी है क्लॉज एक कि 300 बैड का होस्पिटल भी होना चाहिए अप टू डेट। सो जो सिविल होस्पिटल वो भी नक्शे के बच्चे, वो भी अप टू डेट हो जूगा, 10-12 मंजिल हो अप टू डेट, क्योंकि डॉक्टर्स ने उत्थे जाके प्रैक्टिस करनी। बहुत सारे बाहरले सूबे तो भी पढ़ाइया करना आवगे, रोज़गार बधूगा, टीचर आवगे, बच्चे आवगे, उन्होंने रहने लई जगह, उन्होंने वास्ते अपार्टमेंटा की जरूरत पेगी सर। सो यह साढ़े 3 प्रोजेक्ट जिहड़े हुण तक असीं फाइनल कर चुके हैं, कपूरथला इज़ वन ऑफ दैम। संगरूर मस्तुआणा साहब विखे संत बाबा आदर सिंह जी गुरु नानक साहब के नाम से कपूरथला, तो हुशियारपुर, मैं अज हुशियारपुर भी जाऊँगा एक बार। सो साडा यह गरंटी सी, वादा भी सी कि असी एजुकेशन एंड हैल्थ नूं प्रैफर करांगे। स्कूल बन लग गए, स्मार्ट स्कूल बन लग गए, मोहल्ला क्लीनिक बन चुके ने, होर बन रहे हैं, हर रोज़ बन रहे हैं, उत्थे बहुत सोहना इलाज भी हो रहा है। बल्कि सेंटर की एक कमेटी ने मोहल्ला क्लीनिक की परफॉर्मेंस से संतुष्टि भी प्रगट की, मैं धन्यवाद भी करता उन्होंने, और डॉक्टर जिन्हें भी डॉक्टर्स ने जिन्हें भी मोहल्ला क्लीनिक चलाते हैं, मैं उन्होंने बधाई भी देना। सो कुल 16 मेडिकल कॉलेज बनाने, 9 पहला है, 25 हो जाएंगे, जिले 23 ने, यानी कि हर जिले में लगभग कोई ना कोई कॉलेज टच करूगा। ये कितों आइडिया आया, ये आया जो यूक्रेन की जंग लगी, रशिया, जो साढ़े इतों टैलेंटड मुंडे कुड़ियाँ 99.2, 99.3, 99.4% नंबर लैके एक 25 साल पहला आजाद होए मुल्क के MBBS कर जाते हैं, असी कम खोल सकते फिर कॉलेज, 75 साल हो गए सानू आजाद होया। वो कोई नलायक स्टूडेंट नहीं सी जो बाहर जाके कर, इतने पंगे ने, मैनेजमेंट कोटा, फलाना कोटा, धमका कोटा, मतलब सुसाइड तक दी भी खबर आई ने कि एडमिशन नहीं मिली, बच्चे ने सुसाइड कर, सुपने टुट गए। सो पंजाब दे विच असीं 25 मैडिकल कॉलेज बनावांगे। टूरिज्म, मैडिकल टूरिज्म भी तमिलनाडु दे विच लोग इलाज करवा आते, असीं पंजाब दे विच भी इदां दे हस्पताल इन्हां दे बनावांगे, आ जाण जितों भी इलाज करवा आना आ जाओ, पंजाब दे नागरिकां नूं इलाज फ्री होगा, वो साडा वादा। बिजली का तुसीं देख लिया होना, मीडिया ने एक गल कढ़ी है कि 86% लोगों जीरो बिल आने लग गया, और नैक्सट बिल जो होगा जनवरी बिल 95% लोगों को जीरो आऊगा, क्योंकि सर्दियों के कंजम्पशन थोड़ी जी घट जाती, ये वास्ते लोगों का समर्थन चाहिए, असं काम कर रहे हैं। तो हैल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, पानी, एजुकेशन, ये साड़ियाँ प्रायोरिटीज़ ने। मैं कल ही 603 नौजवान मुंडे कुड़ियों PSPCL च बिजली बोर्ड से नौकरी देकर नियुक्ति पत्र देकर आए, जिन्हों चो JEE ने सब स्टेशन दे JEE, इलैक्ट्रिक JEE ते क्लैरिकल जॉब, तो बहुत सारे तो 10-10 साल तो उड़ीक रहे थे साडे लिए दिन आवे। हर हफ्ते या हर 10 दिन बाद कोई ना कोई डिपार्टमेंट जो अपनी पोस्टा कढ़ता रहिंदा, और बिल्कुल पारदर्शी तरीके पेपर होंगे, कोई सिफारिश नहीं, कोई रिश्वत नहीं, तो जिहड़े बंदे डिजर्व करते हैं उन्होंने ही असी जिहड़ा वह अगे लैके आने। हुण मैं तुहानूं सुणा के असी तहसीलों का किया रीसेंटली, कल ही किया फैसला, सब तहसीलों ने जिहड़ियां लोगों का पैसा लोगों के नाम, सब तहसीलों ने जिहड़ियां उन्हां शानदार बिल्डिंगां बनावांगे। उहदे विच सब डिवीजन कंपलैक्स दिड़बा 16.6 करोड़, सब तहसील प्रबंधकी कंपलैक्स चीमा मंडी, संत आदर सिंह जी का जन्म स्थान, गोनियाना मंडी, नथाणा, दसूआ, कलानौर, सुल्तानपुर लोधी, फगवाड़ा, अहमदगढ़, अमरगढ़, बस्सी पठाना, अबोर, बनूड, माजरी, जीरकपुर, चमकौर, सर 80 करोड़ रुपया लगेगा। पर बिल्डिंग यह जी होगी कि जो बंदा वो जाऊगा वो सारे काम एक हाथ थले होंगे, उत्थे ही तहसीलदार होगा, उत्थे ही DSP बैठा होगा, उत्थे ही जन्म प्रमाण पत्र, उत्थे ही आधार कार्ड, उस बिल्डिंग तो बाहर नहीं जाऊगा कोई। इस तरह दी असीं बिल्डिंगां बनावांगे कि लोगों की खज्जल खुआरी खत्म। सीएम साहब एक सीएम साहब जिहड़ी गन कल्चर की आपां गल करदे, करंट इशूज के उत्ते गल करदे, बेशक DGP साहब ने 72 घंटे का टाइम दिता, लेकिन गैंगस्टर के नाते बहुत सारे पेजिज ने जो प्रमोट हो रहे हैं लोगों च, थ्रेट है फर्क, हेट स्पीचेज,
एंड जिहड़े भी कोई भड़काउण दी कोशिश करनगे जां पंजाब दी शांति नूं भंग करन दी कोशिश करनगे मेडिकल कॉलेज आपां खोलणे जी जी कपूरथला दे विच आईसीयू काफी देर दा बंद पिया सर ओह नाल ही आऊगा जी देखो मेडिकल सीएम साहब 2019 च 550 साल लग सानूं ए मिलिया सीगा आईसीयू इंफ्रास्ट्रक्चर सारा कुछ है जी पैरामेडिकल स्टाफ अवेलेबल नहीं ओह 2 लाख जदों जदों असीं हुण इक बेड नूं एडमिट होया सर सर जदों असीं हुण जी प्लीज प्लीज महीने 8 होए ने जी सर जदों असीं हस्पताल बनावांगे तां सानूं डॉक्टर भी चाहिदे होणगे ना जो स्कूल बनाने मास्टर भी चाहिए होने असी बड़ी गिनती MBBS डॉक्टर जिहड़े प्राइवेट च काम कर रहे असी उन्होंने भर्ती करांगे तो हाँ हजे तक देखो पटवारी जिहड़े ने पंजाब कोल पूरे नहीं है पटवारियों कोल दो दो तीन तीन इलाके ने कि तू उत्थे भी करना उत्थे भी करना असी जिहड़े नवें भर्ती किए ने उन्हों की 12 महीने की पहले ट्रेनिंग सी साल की असी उन्हें 9 महीने किया फिर उस तो बाद वो आके जो काम करते हैं 9 महीने उन्होंने 6 महीने वो प्रोवेशन से रहते थे भी तुम पटवारी नहीं है बट पटवारी ट्रेनिंग असं उन्हें 3 महीने करता बड़ी जल्दी पटवारी भी पूरे हो जाएंगे मास्टर भी पूरे हो जाएंगे डॉक्टर भी पूरे हो जाएंगे हर महकमे च इंजीनियर भी पूरे हो जाएंगे बिजली बोर्ड च क्योंकि असं भर्तियां नवी कर रहे हैं मैं अज तुहाडे कोल 27 नवंबर में यह दस रहा 20,557 नियुक्ति पत्र दे के तुहाडे सामने खड़ा मैं हवा च गल्लां नहीं करता 20,557 सरकारी नियुक्ति पत्र दे चुके हैं बाकी 36,000 लिए भी करांगे कुछ किसी लिए की है कई कोर्ट के मैटर ने असं वो क्लीयर करवाना चाहते हैं असं नहीं चाहते मैं तुम्हें अपॉइंटमेंट लैटर देना तो अगले दिन कोई कोर्ट के चला जाए तुम उत्थे धक्के खाते फिर यह मतलब मैं फिर खानापूर्ति की मेरा फर्ज है बीइंग ए चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट मेरा फर्ज है कि पहले मैं क्लीयर करा कि जिन्होंने मैं नौकरी दे रहा वो कल नौकरी कर ना कि वकील कर ना कि पेशियां ले जाए सो हौली 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 असी सारे जिहड़े एलिजिबल ने उन्होंने नौकरी गुजरात जी असं सर्वे च नहीं आते असं सरकार च ही आने।